हेलो गाइस, दिस इज मी दुष्यंत द्विवेदी। आप इस समय हैं दुष्यंत रॉक्स चैनल पर। गाइस, कंगना रनावत की मच अवेटेड मूवी थलाइवी रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एएल विजय ने और इसकी कास्ट में शामिल है कंगना रनावत के अलावा अरविंद स्वामी, भाग्यश्री, राज अर्जुन, नसार, भाग्यश्री और जीशु सेन गुप्ता। गाइज, इस फिल्म को आज सभी सिनेमाघरों में रिलीज किया गया है, लेकिन दो दिन पहले इसको क्रिटिक्स और वीआईपी लोगों के लिए रिलीज किया गया था, जिसके जवाब में जो टीम ने है उसने कहा था कि हमने इस फिल्म को दो दिन पहले क्रिटिक्स के लिए इसलिए रिलीज किया, उनको इसलिए दिखाया है कि ताकि हम उनके रिव्यूज को दर्शकों के सामने रख सकें। तो क्या गाइज, अगर जिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को नेगेटिव अगर फीडबैक दिया है, तो क्या आप दर्शकों के सामने नेगेटिव फीडबैक रखेंगे या मूवी में कुछ चेंज करेंगे? तो ये बात दो दिन पहले क्रिटिक्स और वीआईपी लोगों के लिए रखने के लिए जो किया गया वो हजम नहीं होती। कंगना रनावत हमेशा से इस चीज़ का झंडा बुलंद करके चलती हैं कि नेपोटिज्म नहीं होना चाहिए, वीआईपीनेस जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हीं की खुद की फिल्म को वो प्रीमियर करती हैं दर्शकों के लिए अलग, और मेन जो वीआईपी लोग हैं या कहें उनके दोस्त हैं उनके लिए अलग। तो गाइज, ये बात थी इसके पहले के जो हुआ, अभी जो प्रीमियर हुआ था उसकी। मैं आता हूँ इस फिल्म पर। गाइज, इस फिल्म का फाइनल वर्डिक्ट हम आखिरी में देंगे और स्टार कितने देते हैं वो आखिरी में देंगे, लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा गाइज कि ये फिल्म डील करती है 6 बार की चीफ मिनिस्टर रही जयललिता के ऊपर, जो तमिलनाडु की चीफ मिनिस्टर रही हैं, AIDMK पार्टी की प्रेसिडेंट रही थी काफ़ी लंबे समय तक। उनको ये विरासत मिली थी अपने गुरु और मेंटर जिनको वो मानती थी और हाँ उनमें प्यार भी करती थी, MGR से। MGR का किरदार अरविंद स्वामी ने निभाया है और बखूबी निभाया है। गाइस, उनको 100 में से 101 मार्क्स मिलते हैं, 1 मार्क्स और ज़्यादा क्यों, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल परफेक्टली करा है। अगर जिन्होंने अरविंद स्वामी के YouTube पर वीडियो देखे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अगर जो तमिलनाडु के हैं उन्होंने अरविंद स्वामी को देखा होगा, लेकिन जिन्होंने जो नॉर्थन इंडिया है, जो सेंट्रल इंडिया है, वहाँ के लोग अरविंद स्वामी MGR को इतना करीब से नहीं जानते, तो अगर वो देखेंगे तो उनको क्लोज पाएंगे। अब बात करता हूँ फिल्म की कहानी की। कहानी फर्स्ट हाफ में डील करती है गाय जयललिता के शुरुआती दिनों में, जब वो हीरोइन बनना चाहती हैं और उनकी मुलाकात MGR से हो जाती है, कैसे वो उनसे कनेक्ट होती हैं, उनके साथ फिल्म करती हैं, और इसके बाद कैसे AIDMK जो है पार्टी इस्टेब्लिश होती है और उसके साथ जयललिता का रोल उसमें क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें दिखाई गई है। गाइस, जो बेसिक चीज़ है उसमें दिखाया गया है कि जो पॉलिटिक्स है, ये जो सोसाइटी है गाइस, वो मेल ड्रिवन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम फेमिनिज्म की जब बात करते हैं गाइस, वहाँ इक्वल राइट्स की बात करते हैं। इक्वल राइट्स मीन बोथ आर इक्वल। कई जगह इस फिल्म में मेल्स जो है उनके लिए बहुत अपमानजनक शब्दों का उपयोग किया गया है, जहाँ नीडेड नहीं था वहाँ भी। और क्या इस जो पार्टी है AIDMK, उसमें सभी फीमेल्स MLA हैं? बिल्कुल नहीं। जो थलाइवी जो मूवी बनी है, क्या उसके डायरेक्टर जो राइटर हैं वो भी फीमेल हैं? नहीं, वो भी मेल हैं। उसके बाद भी इस इशू को केवल इसलिए बढ़ा के दिखाया जाना क्योंकि कंगना रनावत की इमेज बनानी है, तो वो इस फिल्म को थोड़ा सा डाउनग्रेड करता है गाइस। जो टेक्नीशियंस और लोगों ने जितनी मेहनत करी है उनके उस पर वो पानी फेरता है। सेट तो फिल्म के अच्छे हैं, म्यूजिक ठीक ठाक है गाइस। ये तो बात थी फर्स्ट हाफ की। सेकेंड हाफ में गाइस, कैसे जयललिता अपने आप को पॉलिटिक्स में एस्टेब्लिश करती हैं, चीफ मिनिस्टर बनती हैं, करुणानिधि से उनके इनकाउंटर और बाकी चीज़ों को इसमें दिखाया है। ऐसा नहीं है कि गाइस जो प्रोपेगेंडा है और सेक्रेटरी का प्रोपेगेंडा है MGR की पार्टी का, वो इसमें नहीं दिखाया गया है, वो भी इसमें दिखाया गया है। लेकिन बात आके वहीं रुकती है गाइस कि इस फिल्म को इमेज बिल्डिंग, जयललिता की इमेज बिल्डिंग ना करते हुए एक जो मेल फीमेल स्टार है इस फिल्म की, उसकी इमेज बिल्डिंग किया गया है। हालांकि जो जयललिता के किरदार के लिए है, इससे बेहतर अगर कोई चॉइस मिल सकती थी तो वो विद्या बालन स्ट्रेट अवे थी गाइस, वो बेहतर रोल करती। डायलॉग डिलीवरी कंगना रनावत की इस फिल्म में काफ़ी फ्लक्चुअल हो रही है, जैसे वो होती भी है लेकिन हम वही डायलॉग डिलीवरी उनकी तनु एड्स मनु में देखते हैं, वही डायलॉग डिलीवरी हमें उनकी अभी एक मेंटल है क्या उसको जजमेंटल है कर दिया गया था उसमें देखते हैं, और इस टाइप की जो डायलॉग डिलीवरी हो जयललिता की नहीं थी। इन्होंने उसको आउटर वे में तो कॉपी किया, लेकिन इनर वे में वो कॉपी करना रह गया या फिर मिसफायर कर गया, ये सारी चीज़ें उसमें आपको देखने को
बाद ही पता चलेगी। हालांकि जो स्क्रीन प्ले है वो ऑल ओवर द प्लेस है मूवी में, आगे पीछे जो है वो चलता रहता है, लेकिन जो प्लॉट था गाइज वो आपको फेल करता है जयललिता को अंदर से जानने के कि ये लाइक अगर कोई उनके सामने कोई पॉइंट आया तो वो डायलॉग डिलीवरी कर रही है वो अलग चीज़ है गाइज, बट वॉट ही शी इज थिंकिंग इनसाइड वो जो फिल्म वो है वो वहाँ पर डील नहीं करती है। परफॉर्मेंस की बात करें तो गाइज अरविंद स्वामी की परफॉर्मेंस जैसे मैंने बताया बेहतरीन है, और आपको पसंद जब भी अरविंद स्वामी उसमें इस फिल्म में पर्दे पे आते हैं तो गाइज बहुत बेहतरीन लगते हैं। लेकिन मधु का किरदार जो MGR की वाइफ का है, भाग्यश्री जयाज की मदर जो है, पूर्णा जलेता की एड जो शशिकला है, उनका जो किरदार है वो वेस्टेड रहा गाइज इस फिल्म में। तो गाइज ये था मेरा रिव्यू थलाइवी का। मैं इस फिल्म को 5 में से 2 स्टार देता हूँ क्योंकि फिल्म बेहतरीन हो सकती थी, अच्छा सब्जेक्ट था, लेकिन जो लीड स्टार है फीमेल स्टार है कंगना रनावत, उनकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म मिसफायर कर गई है। और बेहतर होता अगर इस फिल्म में कंगना रनावत की जगह विद्या बालन को लिया जाता और वो ये फिल्म तब और ज़्यादा एक्साइटिंग लगती। तो ये था मेरा रिव्यू, आपको कैसा लगा बताना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।